हेलो दोस्तों नमस्कार बबीता पवार रेसिपीज में आपका स्वागत है तो चलिए आज हम बनाते हैं तिल गुड़ की चिक्की जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और इसे बनाना बहुत आसान है सर्दियों के मौसम में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ढाई ग्राम के करीब ये तिल ले लिए हैं और हमने जितने तिल लिए हैं ना उतने ही हमें गुड़ लेना है और वन टेबल स्पून यहाँ पर मैंने घी ले लिया है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं गैस ऑन करेंगे पैन चढ़ाएंगे और इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर तिल को अच्छी तरह से भून लेंगे दो से तीन मिनट ही लगते हैं इसे भुनने में बहुत जल्दी भुन जाती है लो फ्लेम पर इसे भूनना है चटकने की आवाज़ आ रही है इससे अच्छी सी खुशबू भी आ रही है तो चलिए गैस बंद कर देते हैं और इसे एक थाली में निकाल लेते हैं तो चलिए फिर से मैंने यहाँ पैन चढ़ा दिया है इसमें गुड़ डाल देंगे और लो फ्लेम पर ही गुड़ को हमें मेल्ट करना है इस तरह से पीसेस कर लेते हैं टुकड़े कर लेना छोटे छोटे और लगातार चलाते हुए गुड़ को मेल्ट करना है आपके गुड़ में यदि कुछ कचरा या कुछ है तो आप इस समय छान लें और उसके बाद फिर से पेन में डाल के इसे लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे गुड़ हमारा पक रहा है तो चलिए चेक कर लेते हैं बोल में हम पानी लेंगे इस तरह से और एक ड्रॉप डालेंगे और इस तरह से खींच के देखें ये देखिए अभी इसमें इस तरह से खिंच रहा है गुड़ तो हमारा गुड़ बिल्कुल अभी पका नहीं है तो लो फ्लेम पर ही गुड़ को हमें लगातार चलाते हुए पकाना है इस तरह से ये देखिए कलर चेंज होने लगा है गुड़ एकदम वाइट होने लगा है ये देखिए एक ड्रॉप और डालेंगे और फिर से चेक करेंगे तो ये देखिए अब खींच नहीं रहा है टूट रहा है इस तरह से तो गुड़ हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है गैस बंद कर देंगे और इसमें हम तिल डाल देंगे और अब हम इसमें घी भी डालेंगे साथ में तो चलिए इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से तो ये मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है तो जल्दी से हम यहाँ पर एक थाली में इस तरह से थाली को मैंने पलट लिया है और इस तरह से थाली के पीछे घी लगा लिया है ये देखिए और इस तरह से इसे फैला लेंगे आप प्लास्टिक सीट पर या बटर पेपर भी फैला सकते हैं तो चलिए इसे बेल लेते हैं और ये काम आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है क्योंकि बहुत जल्दी ठंडी होगी तो एकदम हार्ड होने लगेगी तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको बेल लिया है पतला या मोटा आपको जैसा चाहिए वैसे आप रख सकते हैं ये देखिए और अभी इसमें हम तुरंत ही कट लगा देंगे जितने बड़े पीस आपको चाहिए उस तरह से आप इसमें कट लगा दें ये देखिए मैंने इसमें सारे में कट अच्छे तरह से लगा दिए हैं ये इस तरह से और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है पंद्रह से बीस मिनट में ही ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई है ये देखिए और मैं इसे अलग से इस तरह से कट कर ले रही हूँ ये देखिए कितनी बढ़िया अच्छी सी चिक्की हमारी बनकर तैयार हो गई है सर्दियों के मौसम में इस तरह से चिक्की बनाकर खाने से हमारे शरीर को गर्माहट मिलती है और शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है और ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है तो ज़रूर आप बनाइए तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं और यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो